हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए रमन उत्तरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईएफएससी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में एक पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेंशन सेक्टर में आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए, किन किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो जो पास्ट ईयर में पेंशन सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस पे दे रहा हूँ। अगर बात करें मेन्स एग्जामिनेशन की आईएफएससी की, तो वो 13 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है और अभी तक प्री के एग्जामिनेशन के रिजल्ट को अनाउंस नहीं करा गया। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हैं तो आप रिजल्ट की वेट ना करते हुए मेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें अभी जो आईएफएससी के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम है, क्योंकि काफी सारे एग्जामिनेशन एक साथ शेड्यूल हो गए तो काफी सारे स्टूडेंट्स स्कैटर हो गए अलग अलग एग्जामिनेशन में। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हैं तो प्लीज टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे पेंशन सेक्टर के बारे में। आप इसको 5 आवर्स के लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस नोटिफिकेशन में दे रखा है जिसके अंदर स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर को आपको पढ़ना है, रिटायरमेंट स्कीम्स अलग अलग, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, अटल पेंशन योजना, एनुअटी प्लान्स एंड बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को पढ़ना है। अगर मैं एकदम डिटेल में जाके बात करूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर से सिलेबस दे रखा है ना, आपको जो डिटेल में पढ़ना चाहिए वो है, सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ पेंशन सेक्टर से बात को स्टार्ट करना चाहिए। इसमें डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो कौन से पेंशन प्लान में कवर्ड है। इसके साथ साथ पीएफआरडीए एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एक नई रेगुलेटरी बॉडी है तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके क्या फंक्शंस वगैरह है। इसके बाद आप जाएंगे एनपीएस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पेंशन सिस्टम जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मैंडेटरी डाल दिया गया है। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है बट इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ टाइम के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब आप यूनिफाइड पेमेंट जो सिस्टम है स्कीम है उसके बारे में डिटेल में पढ़ें। अभी ऊपर से पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। चलो, नेशनल पेंशन सिस्टम को करने के बाद आपको अटल पेंशन योजना को करना है। अटल पेंशन योजना का एक स्कीम डॉक्यूमेंट है, इसके साथ साथ इसके एफएक्यूज भी आते हैं। एग्जामिनेशन में एफएक्यू से क्वेश्चन पूछ लेगा एक बार, तो एफएक्यूज को करना भी जरूरी है। इसके बाद एक स्कीम जिसके बारे में ज्यादा रेफरेंस नहीं दे रखा है जो कि है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। देखो, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है जिसके अंदर एक एक्ट बना रखे जिसके बेसिस पे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, प्राइवेट वर्ल्ड है, उनको यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन करने होते हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे। अब ये सबसे बड़ी स्कीम है आज के टाइम पे, सबसे ज्यादा पैसा इसके अंदर है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप पेंशन सेक्टर को पढ़ रहे हैं। जो पहले पेंशन सेक्टर के ऊपर एग्जामिनेशन हुए उसके ऊपर ईपीएफ में से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद एनुअटी प्लान एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती हैं जिसके अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पीएम वया वंदना योजना है, वया वंदना योजना पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद मानधन योजना, इसके अंदर 3 योजना है, किसान मानधन योजना, लघु व्यापारी मानधन योजना एंड श्रम योगी मानधन योजना। ये कहीं ना कहीं जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर में इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांस है। ये स्कीम जो मानधन योजना है कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे अटल पेंशन योजना से, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिफाइड पेमेंट स्कीम जो आएगी वो भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद कुछ एक आदि और स्कीम्स है जो बहुत पुरानी है जिसमें जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही कम है, उसको भी एक बार आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं करना, उसको डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पेंशन सेक्टर इन डिटेल्स, यहाँ पर इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, और 5 आवर्स के लेक्चर के अंदर आप इसको A to Z समझ सकते हैं और चीजों को याद कर सकते हैं। कल इस कॉन्टेंट के ऊपर जो भी हमारा कॉन्टेंट अभी तक कम्प्लीट हुआ है उसके ऊपर कल के दिन में सारे के सारे MCQs अपलोड कर दिए जाएंगे। पीछे एक दिन आया था जिसमें मैंने एक अच्छे खासे टेस्ट नंबर अपलोड करे थे, और अब कल के दिन पे और भी टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम पिक करेंगे बैंकिंग सेक्टर को। चलिए, ऑल द बेस्ट। बैंकिंग सेक्टर जब कंप्लीट हो जाएगा मैं इसी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा कि बैंकिंग के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके डाटा, बाय बाय।